सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो हम बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो हमें दिया है कि इन अ फिगर, इस फिगर में PQR जो हमारा किसके इक्वल है, PR की, मतलब ए वाला एंगल और ये वाला दोनों इक्वल है। तो हमें बताना है कि ए वाला एंगल और ये वाला भी बराबर होगा। तब तो एक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है देखिए, सबसे पहले दिया है कि एक हमारी लाइन है उसमें हमारा ए एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि भैया हमारा एंगल 1 डिग्री हो गया और इसको मान लेते हैं भैया ए भी तो 1 ही होगा। हम वाई नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि तो दिया है कि हमारा जो एंगल ए क्यू वाला एंगल है ये किसके इक्वल है, ये वाला आर के इक्वल है। तो ठीक है, अब हम जान ही रहे हैं तो हमारी एक लाइन है कि नहीं, बोलिए। हाँ ना, बोलिए, लाइन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो लाइन का फिर वही लाइन है तो 180 डिग्री होगा, तो होगा तो हम आसानी से कर सकेंगे। तो हमारा ए वैल्यू क्या होगी, हाँ मान लेते हैं, चलिए हम नामकरण इसका कर देते हैं यस है, या आपका क्यू दिया था, या पी दिया था, या आर दिया था, और ये हमारा टी दिया था। तो हम करते क्या है, अच्छा बताइए मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, एंगल यस क्यू आर, सॉरी यस क्यू पी, मतलब ए वाला एंगल प्लस एंगल यस, सॉरी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि भैया ये लाइन है तो हम लोग, तो हमें इसकी तो वैल्यू दे ही दी है पी क्यू आर। तो हम लोग क्या, यस क्यू पी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, पहला इक्वेशन आ गई हम लोगों की। उसी प्रकार हमारा इसको लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, हाँ बोलिए, पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अभी तो एक लाइन ही है, तो जब हमारी लाइन रहती तो आँख मूंद कर क्या बोलते हैं, हाँ हमारे लीनियर पेयर एग्जाम्स होता है। तो हमने देखिए पी आर टी प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या मानी, एक्स मानी है, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो हम देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या लग रहा है कि भैया जब दोनों की वैल्यू हमारी सेम ही आ रही है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 10 डिग्री होगा तब भी इसमें कितना आएगा 170 आएगा, ये भी 170, तो इक्वल होगा कि नहीं, हाँ कुछ भी एक्स की वैल्यू आए 2 आए 4 रखें बात बराबरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल यस क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हमें प्रूफ भी करना था, ये हमारा आंसर भी आ गया। बोलिए समझ में आया, कुछ हमें नहीं करना है, केवल हम यहाँ पर लीनियर पेयर एग्जाम्स का यूज़ कर करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पसंद आए वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।